फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त मैं हूं पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है तड़का, तो हो जाइए तैयार। बताएंगे आपको कि शाहिद के लिए ये साल कैसे होने वाला है खास। कहां गंगूबाई के रंग में रंगी नजर आई आलिया भट्ट। कब रिलीज होने वाली है फिल्म थराइवा। किस वजह से रुबीना और अभिनव लेने वाले थे तलाक। और छोटे पर्दे पर किस शो में नजर आने वाली है गौहर खान। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बॉलीवुड के डैशिंग और हैंडसम एक्टर शाहिद कपूर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शाहिद 40 साल के हो गए हैं। इस 40 साल की उम्र में वो पिछले 18 साल से अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को दीवाना बना रहे हैं। पिछले 18 साल में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर हर किरदार में उन्होंने फैंस का दिल जीता। शाहिद जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे पति, पिता, बेटे और भाई भी हैं। वैसे शाहिद के लिए ये साल बेहद खास होने वाला है क्योंकि शाहिद की फिल्म जर्सी 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के टीजर क्या रिलीज हुआ। आलिया तो पूरी तरह से गंगूबाई के रंग में रंग गई है। जी हाँ, कल संजय लीला बंसारी के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। टीजर में आलिया भट्ट की दमदार अदाकारी देखने को मिली, लेकिन आलिया जब संजय लीला बंसारी के घर पर उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने पहुंची तो मीडिया के सामने गंगूबाई काठियावाड़ी के स्टाइल में लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। आलिया भट्ट पूरी तरह से गंगूबाई स्टाइल में रंगी नजर आ रही थी। संजय लीला बंसाली और आलिया दोनों के चेहरे पर गंगूबाई काठियावाड़ी के टीजर के रिलीज होने की खुशी दिख रही थी। कंगना रनौत के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों का फिल्म थलाइवी को लेकर अब इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, कंगना की फिल्म थलाइवी 23 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। फिल्म के निर्माताओं ने ये घोषणा जयललिता की 73वीं जयंती के मौके पर की। फिल्म में उनके जीवन को दर्शाया गया है। कंगना ने भी फिल्म के रिलीज डेट को लेकर ट्वीट किया। कंगना ने ट्वीट में लिखा, जय अम्मा की जयंती पर 23 अप्रैल 2021 को सिनेमा घरों में लेजेंड की कहानी का गवाह बन गए। हैशटैग थलाइवी। बता दें, थलाइवी हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। आजकल हर तरफ रुबीना और अभिनव शुक्ला की चर्चा है, और हो भी क्यों ना, आखिर रुबीना ने बिग बॉस 14 का खिताब जो जीता है। लेकिन एक बार फिर दोनों के डिवोर्स लेने की बात चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल शो के दौरान ये खुलासा हुआ था कि रुबीना और अभिनव दोनों तलाक लेने वाले थे, लेकिन अब शो के खत्म होने के बाद अभिनव ने एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर किस वजह से दोनों के बीच तलाक तक बात पहुंच गई थी। और यकीन मानिए कि आप भी वजह सुनकर हंसने लगेंगे। दरअसल अभिनव शुक्ला ने बताया कि वो रुबीना के लिए कॉफी ले जाना भूल गए थे और लॉकडाउन में दोनों के रिलेशन में काफी दरार आ गई थी, लेकिन बिग बॉस के घर में जाने के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। बॉलीवुड अभिनेत्री गौहर खान बीते दिनों अपनी शादी और वेब सीरीज स्टैंडअप को लेकर काफी सुर्खियों में थी। इस वेब सीरीज में उनके अभिनय की दर्शकों ने काफी सराहना की थी, लेकिन अब गौहर खान जल्द छोटे पर्दे के डांस रियलिटी शो नच बलिए के सीजन 10 में नजर आने वाली हैं। खास बात यह है कि शो में वो पति जैद के साथ इस शो का हिस्सा बनेगी। हालांकि इससे पहले भी गौहर झलक दिखला जा के सीजन 3 में नजर आ चुकी थी और इस शो में वो पहली रनर अप भी रही थी। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।